खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे किसानों ने आंदोलन को बड़े स्तर पर ले जाने की ठान ली है। किसान अब 12 दिसंबर को देशभर के टोल नाकाओं को फ्री करने की तैयारी में है, जबकि 14 दिसंबर को देशभर में बीजेपी नेताओं के घेराव से लेकर जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन की योजना भी बनी हुई है। यानी कि यही नहीं, सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए किसान संगठन ने 12 दिसंबर से दिल्ली की घेराबंदी बढ़ाने की चेतावनी भी दे दी। और वहीं इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने प्रस्ताव में किसानों की आपत्तियों के समाधान का सुझाव देने का प्रयास भी किया है। उन्होंने कहा है कि किसानों को आंदोलन छोड़कर चर्चा का रास्ता अपनाना चाहिए, सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। देखिए, दरअसल क्या एमएसपी का इन कानूनों से कोई ताल्लुक नहीं है, और एमएसपी के मामले में प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और मैंने भी लोकसभा और राज्यसभा के फ्लोर पर जनता को आश्वस्त किया है। सदन में बोलना वो एक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट है, मतलब सरकार की नीयत को प्रदर्शित करता है, और उससे ज़्यादा पावरफुल डॉक्यूमेंट्स मुझे लगता है सरकार की जबान का और कोई नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने फ्लोर पर भी आश्वस्त किया है, एमएसपी चल रही थी, आगे भी चलती रहेगी, एमएसपी को 1.5 गुना बढ़ाने का भी काम हमने किया है, खरीद को भी बढ़ाया है, और इस बार देखेंगे तो 17% अधिक खरीद हुई है, और पंजाब में तो 25% अधिक खरीद हुई है। तो एमएसपी पर किसी को कोई शंका होनी नहीं चाहिए। किसान यूनियन को जरूर आग्रह करना चाहता हूँ कि भारत सरकार किसान और किसान यूनियन के साथ बातचीत कर रही है, किसान की समस्याओं के लिए बातचीत कर रही है, और उनका आंदोलन जो है वो विषयांतर नहीं होना चाहिए, ये उनकी जवाबदारी है। ये फोल्डर छपा हुआ है, मैं इसको दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये क्या प्रदर्शित करता है। किसान की मांग एमएसपी की हो सकती है, किसान की मांग एपीएमसी की हो सकती है, किसान की मांग एक्ट में प्रावधानों को लेकर हो सकती है, लेकिन ये किसान की डिमांड कहाँ से हो सकती है? अगर ये डिमांड है, ये पोस्टरबाजी अगर वहाँ हो रही है, तो मैं किसान यूनियन के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इससे बचना चाहिए, और ये किसान आंदोलन को बिखेरने की कार्रवाई। नहीं नहीं, मैं समझता हूं कि एक्ट के बारे में किसी को कंफ्यूजन नहीं है, लोकसभा और राज्यसभा के आप विपक्षी नेताओं के भाषण सुनिए, एक्ट के किसी प्रावधान पर किसी ने भाषण दिया ही नहीं, किसी ने विचार व्यक्त किया ही नहीं, पॉलिटिकल भाषण देते रहे। और इसलिए मैं बार बार किसान यूनियन के लोगों को कहता हूं कि पॉलिटिकल भाषण जैसे हम लोगों को विचार नहीं करना चाहिए, हमको क्लॉज बाई क्लॉज विचार करना चाहिए, और हम लोगों ने जो उनकी बात को सुना उस पर से जो हमको लगा उसके कारण हम लोगों ने उनको प्रस्ताव भी दे दिया। सरकार खुले मन से आगे चर्चा के लिए भी तैयार है, और जो आपकी आपत्तियां उन पर भी विचार करने के लिए तैयार है, और हम प्रस्ताव एडवांस में दे चुके हैं। अब किसान यूनियन को विचार करके किसानों के हित में क्या है वो सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ, मैं आशावान हूँ, लगातार हम किसानों से वार्ता के लिए तैयार हैं, और मुझे आशा है कि किसान वार्ता के लिए आएंगे, और जरूर हम बातचीत करेंगे, और बातचीत के माध्यम से समस्या का हल निकालने की कोशिश। जहां एक तरफ कृषि मंत्री का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि बातचीत से समस्या का हल निकालेंगे, वहीं किसान अब और भी ज्यादा प्रदर्शन को उग्र कर सकते हैं। ललित मोहन हमारे संवाददाता चिल्ला बॉर्डर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ललित, चिल्ला बॉर्डर पर स्थिति फिलहाल क्या कुछ बनी हुई है, क्योंकि लगातार किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, दूसरी तरफ कृषि मंत्री का यह कहना है कि बातचीत से समस्या का हल निकालिए, आंदोलन समस्या का हल नहीं। जी बिल्कुल, एक तरफ सरकार जो है वो सोशल साइडों से बाकायदा किसानों को जो है समझाने बुझाने में लगी हुई है कि ये बिल जो है किसानों के हित का है। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ का सूरत हाल दिखाता हूँ। आप देखिए, मेरे पीछे जो नोएडा की एंट्रेंस है, आज कोहरा भी है और साथ साथ जो है अब बारिश भी शुरू हो गई है। इस समय हल्की हल्की बूंदाबांदी है, और यहाँ पर ये देखिए, ये किसान यहाँ बैठे हुए हैं, ये देखिए ये किसान बैठे हैं। और आज जो है टोल फ्री, जो एक आह्वान किया गया है कि जो भी टोल है उनको फ्री कर दिया जाएगा, अपना विरोध जो दर्ज करा रहे हैं किसान, वो आज टोल फ्री करके जो है वो करेंगे। देखिए यहाँ तमाम लोग बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आज का जो है यहाँ कार्यक्रम रहेगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो ठंड है,
कड़ाके की। अब ठंड पड़ रही है, साथ में बारिश भी पड़ रही है, बारिश में भी यहाँ किसान डटे हुए हैं। ये देखिए, ये सामने एक ट्रैक्टर के अंदर घर बनाया हुआ है, अब बारिश शुरू हो गई है, किसान यहाँ से अपने ये रजाई गद्दे जो है वो लेके कहीं एक ऐसी जगह तलाश कर रहे हैं जहाँ सुरक्षित रहे, और बारिश भी बराबर तेज होती चली जा रही है। जैसे किसानों का आंदोलन तेज हो रहा है, उसी तरीके से जो है अब बारिश भी, देखिए बादल भी गरज रहे हैं, और यहाँ पर जो बैठे हैं किसान, खासतौर से जो प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, उनसे भी हम वहां तक पहुंचते हैं और बात करेंगे। ये देखिए यहाँ पे अलाव जल रहा है, अलाव पे यहाँ ठंड को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से कहीं से गर्माहट मिले। इधर का दृश्य देखिए, बारिश आ गई है, और बारिश में ये किसान जहाँ सो रहे थे, अब यहाँ बारिश में भीगने के कारण जो है अब सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं। चलिए मैं पहले यहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हीं के पास चलता हूँ, उनसे बातचीत करूंगा। ये बताइए आज का जो प्रोग्राम है वो क्या प्रोग्राम रहेगा? आज तो टोल फ्री करने का है, सब जगह टोल फ्री होंगे, उत्तर प्रदेश के जितने भी टोल हैं फ्री होंगे, वैसे देश के हैं, पूरे देश के होंगे, लेकिन मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश का, तो उसके नाते उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ता और टोल फ्री करेंगे, जनता का लाभ और सरकार का नुकसान, क्योंकि सरकार भी किसानों की नहीं सुनती है, तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसी बारिश हो रही है, कड़ाके की ठंड है, इसमें अगर बीमार पड़ गए आप लोग तो कैसे? ना ना ना, हम कभी बीमार ना पड़ते, ऐसे ही रहते हैं गांव में, कड़ाके की ठंड में बारिश में। सरकार बराबर निमंत्रण दे रही है कि बातचीत करने के लिए हम लोग तैयार है, इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए, तो आप तो क्यों नहीं? बातचीत करने के लिए हम भी तैयार है, लेकिन बातचीत मीडिया के सामने खुले मंच पे होगी और तब बताएंगे वो बातचीत, या बातचीत करने से क्या होगा, समाधान तो करें, समाधान कर दें, न बातचीत करें तो, और बातचीत करें तो मीडिया के सामने करें, सो खुल के सारा देश देखे। मीडिया के समक्ष बातचीत चाहते हैं अब किसान, उनका सीधा ये कहना है। और देखिए बारिश भी तेज हो गई है, और ये देखिए यहाँ किसान सो रहे थे, ये देखिए ये सब भीग गया, और सब भीगने के बाद अब यहाँ से रजाई गद्दे अपने इन्होंने उठाए हैं, सुरक्षित स्थान तलाश कर रहे हैं, लेकिन अपने जो इनका मकसद है, जो इनका आंदोलन है, उसको नहीं टूटने देंगे। उनका सीधा ये कहना है, चाहे बारिश आए, चाहे ठंड आए, कुछ भी हो, हम जो है यहाँ बराबर लगे रहेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये चिल्ला बॉर्डर जो जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये देखिए बारिश कितनी तेज हो गई है, इस समय फिलहाल बारिश तेज हो गई लोग यहाँ पे, और देखिए ये देखिए यहाँ इस बारिश में ये दिल्ली की तरफ से आने वाला रास्ता जो खोल दिया गया था, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, देखिए ये दिल्ली की तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं, और बारिश हो रही है तेज, यहाँ लेकिन किसान जो है वो अपनी बात को लेकर है, उसका सीधा कहना है कि चाहे कुछ भी हो, ये कानून को वापस लेना होगा। और आज का जो कार्यक्रम है, आज 12 तारीख है, 12 तारीख का जो कार्यक्रम है, जो टोल है, जहां पर किसान नेताओं को कई जगह टोलों पर रोका गया है, वो किसानों को भी दिशा निर्देश दे दिए हैं किसान नेताओं ने, पुलिस की तरफ से क्या कुछ इंतजाम यहां पर किए गए हैं जो है, ये देखिए ये देखिए देखिए अभी पुलिस जो है वो अपनी रणनीति तैयार करके रात से ही, जहां से उनको लगता था कि कहीं कुछ जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो कहीं आम लोगों को नुकसान ना पहुंचा दें कहीं किसी तरीके की, तो इसलिए देखिए ये देखिए वैसे वैसी बारिश में, ये देखिए ये सब लोग किसान हैं और ये सब भीगे पड़े हैं। आज का क्या प्रोग्राम? आज का पूरे प्रदेश में टोल फ्री का प्रोग्राम है, और भगवान ने हमारे लिए प्रसन्न हो गए हैं, स्वयं भगवान भी प्रसन्न हो गए कि हम वास्तव में लड़ाई लड़ रहे हैं, स्वयं इंद्रदेव प्रसन्न हो गए हमारे लिए, आओ तुम्हारा स्वागत है, आंदोलन को और तीव्र धार दो, और हम तैयार हैं बिल्कुल, जब तक नहीं हटेंगे, जब तक सरकार एक काले कानून वापस नहीं लेगी और किसान आयोग का गठन नहीं करेगी। जी देखा किस तरीके से किसानों के अंदर हौसला है अभी भी, और एक तरफ ये देखिए मौसम कितना खराब हो गया है, बरसात हो रही है, ये देखिए ये यहाँ से टेंट में से पानी निकल रहा है, ये यहाँ यहाँ चू रहा है ये पानी, और उसके बाद भी किसान यह डटे पड़े हैं, बादलों के गरजने की आवाज आपको आ रही होगी, और मौसम जिस हिसाब से खराब हुआ है उसमें भी किसान डटा पड़ा है,
ये देखिए दिल्ली का नजारा, ये है वो सीमा जहां दिल्ली ने अपनी तरफ से तैयारी कर रखी है। दिल्ली पुलिस और बीएसएफ सीआईएफ से सब यहां पर। ललित क्या दिल्ली से आने वाले लोगों को परमिशन है एंटर करने की? ललित क्या दिल्ली से आने वाले लोगों को परमिशन दी जा रही है? आवाजाही पूरी तरीके से जारी है। जो दिल्ली से आना चाहते हैं नोएडा के अंदर उनको किस आवाजाही में किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। किसानों ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हम टोल फ्री करेंगे लेकिन किसी भी आम पब्लिक के इंसान को नुकसान नहीं होने देंगे। हमारा कोई ये मकसद नहीं है कि हमें कोई सड़कों को जाम करना है, या हमारा कोई ये नहीं है कि किस हमारे काम से किसी आम पब्लिक के किसी इंसान को नुकसान हो। आम पब्लिक के लिए किसान आज भी खड़ा है क्योंकि उनका ये कहना है कि अब आम पब्लिक भी उनके पक्ष में जो है उतर आई है। कहीं ना कहीं उनको भी नजर आ रहा है कि जिसको देश का अन्नदाता कहते हैं, जो धरती का सीना चीर के जो है फसल उगाता है और अन्न को जो है लोगों तक पहुंचाता है, आज वो किसान किस हाल में है देखिए। बारिश हो चुकी है, के लिए तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। तो लगातार जो किसान है अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। किसानों और कांग्रेस के बयान को लेकर हमारे सहयोगी ने यूपी के डिप्टी सीएम से खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है आप भी सुनिए। हालांकि इस बीच में राजनीति काफी ज्यादा तेज हो गई है। राहुल गांधी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि लगातार सरकार जो है वो सिर्फ उद्योगपतियों का ही ध्यान दे रही है, उन्हें बिल्कुल किसानों की चिंता नहीं है। वो किसान को बिहार का किसान बनाना चाह रहे हैं, यानी गरीब और करना चाह रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं सर इस पूरे बयान को राहुल गांधी? देखिए राहुल गांधी जी के बयान को मैं यह मानता हूं कि न मैं भी गंभीरता से लेता हूं, न देश गंभीरता से लेता है, लेकिन उनका अगर ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें केवल उद्योगपतियों को ध्यान में रखती हैं तो शायद उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 2014 से और 2020 के बीच में लगातार किसानों के हित में, गरीबों के हित में, ग्रामीण क्षेत्र के हित में, देश के हित में जो काम हुए हैं उसका बिना अध्ययन किए जो मन में आया बोल देने की उनकी आदत है, तो उसी के क्रम में उन्होंने बोला है। और वह किसानों के बारे में, किसानी के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। आप राहुल गांधी जी के सामने आप ले जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ, धनिया की पत्ती ले जाइए और गाजर की पत्ती ले जाइए, उनके सामने फूल गोभी ले जाइए, उनके सामने बंद गोभी ले जाइए, उनके सामने गाजर ले जाइए, उनके सामने मूली ले जाइए, वो किसी का अंतर नहीं बता सकते हैं। और वो किसानों की बात करते हैं, वो पंजाब के किसान और बिहार के किसान की तुलना करते हैं। जिसके पास एक एकड़ ज़मीन होगी, जिसके पास 100 एकड़ ज़मीन होगी, तो उसकी आमदनी का अंतर स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी गरीब और अमीर के बीच में अंतर नहीं करती है, मजदूर के बीच में और मालिक के बीच में अंतर नहीं करती। हम सबको साथ में लेकर के चलते, सबका साथ, सबका विकास, सबको स्थान, सबको सम्मान देने का काम किया है, आगे भी करेंगे। इनकी बेचैनी का कारण यह गरीब और किसान का हो रहा उत्थान है, इनकी बेचैनी का कारण यह देश का हो रहा विकास है, इनकी बेचैनी का कारण माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में बढ़ी हुई लोकप्रियता है और कांग्रेस का सिमटता हुआ जनाधार है, इसलिए इस प्रकार की बातें बोलते हैं। और इनकी बात को मैं इतना ही कह सकता हूं कि अगर यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 6 साल के कार्यकाल को थोड़ा एक बार पढ़ लेते, अगर उनको समय हो तो नरेंद्र मोदी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसमें देख लें कि क्या क्या उन्होंने काम किया है, तो शायद इस प्रकार के बयान देना वो बंद कर देंगे।